मुझे लगता है कि हर पीढ़ी जो कुछ भी अच्छा समझौती है, सीखती है, समझती है, उसको कहीं ना कहीं अपने से अगले पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना ही चाहती है। किसी भी जेनरेशन ने सारा मेहनत करके जो कुछ भी पाया है उसको कहीं ना कहीं अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना चाहता है ताकि उसकी अगली पीढ़ी वहाँ से आगे बढ़ सके। अगर आग की खोज किसी ने नहीं की होती, पहिए का आविष्कार किसी ने पहले नहीं किया होता, तो आज हम एरोप्लेन नहीं बना सकते थे, आज हम आग की खोज और पहियों के आविष्कार में उलझे हुए होते। ये हमारी पिछली पीढ़ी का कंट्रीब्यूशन होता है जिस पर खड़े होकर के हम आगे चलने के काम को कर पाते। तो मुझे लगता है शिक्षा की एक मुख्य भूमिका जो है वो दो भूमिका में मुख्य मानता हूँ। एक ये कि पिछली पीढ़ी ने जो कुछ भी सही के अर्थ में अर्जित किया है वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो पाए, और दूसरा आगे कैसे बढ़ना है वहाँ से उसके लिए एक स्वतंत्रता हो और आगे बढ़ने की ठीक ठीक विधि प्रक्रिया मिल पाए। तो शिक्षा को जब देखता हूँ मैं, और आज के दिन की शिक्षा को लेकर के आदरणीय पवन जी ने भी बहुत सारी बातें कही, बाकी लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही, तो बार बार जब इस शिक्षा को देखते हैं हर आदमी इसकी ज़रूरत को महसूस भी करता है, लेकिन अगर आज के इस तथाकथित पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को देखें तो समस्याएं वहाँ भी कोई कम नहीं है, ठीक है, बल्कि कई मामलों में जो दीदी कह रही हैं कि समस्याओं में उलझा हुआ हमारा पढ़ा लिखा वर्ग ज़्यादा दिखता है। तो क्या कारण है, कहाँ चूक हो रही है जिसके कारण ये स्थिति बन रही है? तो मैं उसको अगर बहुत संक्षेप में देखूं तो दिखता है कि पिछले 25-50 सालों के इतिहास को अगर आप देखें, लंबा भी देख सकते हैं, बट मैं उतना ही स्पैन ले रहा हूं जो हम सब लोगों ने देखा है पिछला 20 साल, 25 साल, 50 साल, अगर वो देखेंगे तो हम में से ज़्यादातर लोगों के घरों में सुविधाएँ बढ़ी हैं। हमारे मकान कच्चे थे तो पक्के हो गए, हमारे पास अगर साइकिल नहीं होगी तभी मोटरसाइकिल आ गई होगी, कार आ गई होगी, पहनने के कपड़े बढ़ गए होंगे, हमारे जूते चप्पल की क्वालिटी बढ़ गई होगी, हमारे मोबाइल बेहतर हो गए होंगे, हमारी सड़कें पहले से अच्छी हो गई होगी। ये सब दिखता कि नहीं दिखता? दिखता है ना। ये सब के बीच में आदमी अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्वालिटी गिरती जा रही है, जो आगे के लोगों से सुनाई दे रहा है हमको, वो कह रहे क्वालिटी गिरती जा रही है, ठीक है। तो क्या लगता है, ये सारा विकास आदमी के लिए हो रहा है या आदमी के विकास के लिए आदमी है कि आदमी के लिए विकास है? लेकिन मैं फिर से यही बात कहूँगा मैं फिर से एक सवाल ही पूछ लेता हूँ, जैसे पिछला सवाल पूछा ना वैसे एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप साइंस इम्प्रूव ना करें, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव ना करें, घर अच्छे नहीं बनाएं, रिसर्च ना करें, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये प्रश्न आपसे फिर से पूछना चाहूँगा कि जब आपको गर्मी लगती है तो एसी कमरा लगा लेते हैं, ठीक है, एसी ऑन कर लेते हैं, उससे गर्मी की तकलीफ दूर हो जाती है। आपको कहीं दूर तक ट्रेवल करना है, आप बढ़िया एसी कार ले लेते हैं, एरोप्लेन के टिकट ले लेते हैं, पहुँच जाते हैं, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक बढ़िया घर में आप एसी कमरे में बैठे हुए हैं और जिन 4-6 लोगों के साथ आप बैठे होते हैं, अपने परिवार के, परिवार समूह के, मित्र के, अगर आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष हो, विरोध हो, मनमुटाव हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो, नफरत हो, उस एसी रूम में बैठ के हम आराम में रहते हैं कि परेशान होते हैं, सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? एक एसी और लगा दें तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी क्या? दो एसी लगा दें थोड़ा और बेहतर क्वालिटी के तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? तो मैं किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं हूँ, सुविधाओं के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ सुविधा से ज़िंदगी सफल हो जाएगी ऐसा ना अपने में होते देख पा रहा हूँ, ना आप लोगों में से किसी में उसका प्रमाण मिलता है। तो मेरा कहना तो सिर्फ इतना ही है कि ये जो हम सोचते हैं कि सिर्फ सुविधा से ज़िंदगी सफल हो जाएगी, ये होता हुआ तो नहीं दिख रहा। और उसका एक सामान्य उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि घरों में अगर संबंध की समस्या है हमारी, पति पत्नी के बीच, बाप बेटे के बीच, भाई बहन के बीच, समाज में अगर समस्या है जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, क्या तकनीकी से हम उसको सॉल्व कर देंगे? अगर आदमी नहीं बदलेगा, आप समाज की समस्याओं की लिस्ट बना लो आज के दिन, मैं सबको ये होमवर्क भी देता रहता हूँ, जिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी आज के दिन हम काम कर रहे हैं,
मैं सबको ये होमवर्क देता हूँ, और ये प्रश्न मुझसे ही पूछा गया था किसी समय कि IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद तुम केमिकल इंजीनियरिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, तो ये अन्याय नहीं है क्या समाज के साथ? ये सामान्य प्रश्न है जो हर बार आता रहता मुझे, ठीक। तो ये बात मुझे बार बार, मैं सबसे कहता हूँ कि समाज आज के दिन जिन समस्याओं से जूझ रहा है, आप कभी उनकी एक लिस्ट बना करके देखिए, ठीक। जो भी आपको लगता हो कि आज के दिन समाज की ये 10 प्रमुख समस्याएं हैं जिसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ, उसकी एक लिस्ट बना के देखिए, ठीक। जो भी आपको समझ में आता हो, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन में लोग ठीक नहीं कर रहे, ये जितना पानी प्रदूषण, जल प्रदूषण, जितना आपको लिस्ट बनाना हो बनाइए, और रुक करके एक बार ये देखिए कि उसमें से कितनी समस्याएं टेक्नोलॉजी से सॉल्व होगी, और कितनी समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं आदमी की मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, आदमी के सोचने, विचारने, जीने के शैली को बदलने की ज़रूरत है। इस पर कभी भी होमवर्क करके देखिए, उत्तर बहुत साफ होगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे उत्तर बहुत ज़्यादा नहीं देना, मुझे तो सिर्फ सही प्रश्न पूछना है। और मैं एक शिक्षक की भूमिका वही मानता हूँ, उत्तर देना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण उस सही सवाल को पूछ पाना है जहाँ से वो खोज की दृष्टि शुरू हो जाए और सत्य को आप देख सकें।